चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। सरकार को उनकी इस भद्दी योजना को वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे, लेकिन ये जो सरकार है इसने पहले सबसे पहले एक कड़ा प्रहार हमारे किसानों पर किया और अब दूसरा प्रहार हमारे जवानों पर कर रही है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमारा विरोध बहुत ही अहिंसात्मक तरीके से जयंत जी के नेतृत्व में रहेगा। आज आप सब जानते हैं हम लोग यहाँ किस लिए उपस्थित हैं। ये जो पहल है, ये अग्निपथ योजना, आप सब वाकिफ हैं, सभी इंटरनेट चलाते हैं, आप लोगों को पता है सरकार हमारे युवा हमारे सैनिक भाइयों के अधिकारों के साथ जो खिलवाड़ कर रही है उसके विरोध में आज हम सब यहाँ पर अपना प्रदर्शन करने के लिए मौजूद हैं जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में। सबसे पहले मैं उनका दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हमें ये मार्ग दिखाया, हमें हमारा नेतृत्व करने के लिए उन्होंने आज हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया है। किसी भी चीज़ के लिए एक नेता की, एक लीडर की, सेनापति की ज़रूरत होती है, वरना जो भी, जैसे हमने देखा कि ये जो हमारा विरोध था शुरू में थोड़ा भ्रमित हो गया था, तो अब क्योंकि हमें एक सही नेतृत्व मिल गया है तो मुझे उम्मीद है कि हमारा विरोध बहुत ही अहिंसात्मक तरीके से जयंत जी के नेतृत्व में रहेगा और अहिंसात्मक तरीके से हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। और जैसे हमने पहले अपना विरोध दर्ज कराया, इस बार भी हम अपना विरोध दर्ज कराकर सरकार को उनकी इस भद्दी योजना को वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान, और उन्हीं के मूल्यों पर, आदर्शों पर हमारा देश आगे बढ़ता रहा है, अपने बड़े अपने बुजुर्गों के आदर्शों पर। लेकिन ये जो सरकार है इसने पहले सबसे पहले एक कड़ा प्रहार हमारे किसानों पर किया और अब दूसरा प्रहार हमारे जवानों पर कर रही है इस योजना के जरिए। तो आपको और हमें समझने की ज़रूरत है कि ये हमारे संविधान को तार तार करना चाह रहे हैं, और जब जब संविधान कमज़ोर होगा तभी तानाशाही को बल मिलेगा। तो जो भी इनकी योजनाएं हैं जो इस तरह की हैं जिनसे हमें हमारे अधिकारों से वंचित किया जा सके, आपको और हमें एकजुटता के साथ अपना जो गठबंधन है हमारा और जो भाईचारा है जिसके ज़रिए हमने अपने ज़िले में भाजपा को हराने का, उनका सूपड़ा साफ करने का काम किया, उसी को आगे लेकर हमें यहाँ से चलना है। तो हम जयंत जी के नेतृत्व में ही ये काम कर पाएंगे और मुझे बहुत खुशी है कि वो हमें ये राह दिखाने के लिए, आज हमारी सरपरस्ती करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारा जो संविधान है हमें कई तरह के अधिकार देता है, इसी के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है जो सिर्फ सांस लेने का नहीं है, गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करने का है, आजीविका का अधिकार है, और इन दोनों पे ही इस सरकार ने प्रहार किया है। तो मेरी आप सब से यही प्रार्थना है, यही अपेक्षा है। आज बहुत सारे यहाँ पर हमारे मीडिया वाले भाई भी मौजूद हैं जिन्होंने सवाल किया कि क्या ये आपका जो विरोध प्रदर्शन है इतना लंबा चल पाएगा, क्योंकि सरकार ने तो पीछे हटने से मना कर दिया है। तो आज मैं आप सब से यही अपील करने आई हूँ कि आपको और हमें इस विरोध को वहाँ तक लेकर जाना है, लंबी लड़ाई को वहाँ तक लेकर जाना है कि हम अपने अधिकारों को बचा सकें। जब जब आप सब मेरे से वादा कीजिए, हमें आपस में वादा करना चाहिए, और हम सब जयंत जी से भी वादा करते हैं कि जब जब भी हमारे अधिकारों पर इस प्रकार सरकार प्रहार करेगी, हम सबको अपनी एकजुटता दिखाने के लिए ऐसे ही इकट्ठे होना है और इस लड़ाई को आगे तक लेकर जाना है। तो मैं बस इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ और जयंत जी का फिर से दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि वो हमें यहाँ इस विरोध को एक नेतृत्व देने के लिए, हमारी सरपरस्ती करने के लिए आए हैं। बहुत धन्यवाद इब्राहिम जी। अब मेरा निवेदन है सरित मलिक जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन।